प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता ब्रह्मा ने कोरोना महामारी के दौरान क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली पर गहरा रोष व्यक्त किया है। अनीता ब्रह्मा ने सरकार के द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं के अभाव को लेकर कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, जिससे क्वारंटाइन लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि पंचायत स्तर पर ही छोड़ी गई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि काफी संख्या में पंचायत स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं जिनकी देखभाल सही ढंग से नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन कमरों में रहना दिक्कतों से भरा है। वर्मा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि आपदा की इस घड़ी में ठीक से काम करे। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए भी सरकार काम करे और उन्हें अपने घरों तक पहुँचाने के लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही नीतर्मा ने कहा कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मुंह पर हमेशा मास्क लगाना, ताकि बीमारी से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश के हमारे भाई बहन जो बॉम्बे, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से हिमाचल में इस महामारी के दौरान आ रहे हैं, उन्हें सरकार क्वारंटाइन कर रही है, वो एक अच्छा कदम है, क्योंकि कोई पता नहीं कि जो यहाँ आया है वो इस महामारी की बीमारी अपने साथ लेके आया है कि नहीं, तो इसलिए इनको क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, पंचायतों से हमें जो खबर मिली है कि वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है और पूरी नहीं है। जैसे अगर उनको एक लैट्रिन दी गई है तो नहाने के लिए बाथरूम नहीं है वहाँ पर, ना उनको कोई ऐसी सुविधा दी गई है जिससे कि अगर वो किसी स्थान में है वो अपने आप को समझें कि हाँ भाई हम अपने घर वापस आए हैं, ना उनको ठीक खाने की व्यवस्था है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जिस परिवार का है वो परिवार वहाँ से अपना खाना लेकर उनको उपलब्ध कराए। लेकिन कुछ घर जो हैं वो किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट जहाँ पर इन क्वारंटाइन लोगों को रखा है वो बहुत दूर है, और कई बार तो उनका वहाँ पे खाना भी पहुँचने में बहुत देर हो जाती है या नहीं पहुँचता है। और ये जो व्यवस्था है, ये प्रधान और वहाँ के जो सेक्रेटरी और आशा वर्कर्स के सपोर्ट है, और जो प्रधान है वो भी हमसे बता रहे थे कि कोई 70-70 लोग किसी पंचायत में बाहर से आ गए हैं, और उनको देख कर जाना और उनकी जो सुध लेना है उसमें उनको भी थोड़ा सा डर होता है कि कहीं बाई चांस वो कोरोना के बीमारी के कोई मरीज़ निकले तो कहीं वो बीमारी उनको भी ना हो जाए, तो उनको भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे वो इस बीमारी से बचें। और साथ में उनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों के जो घर हैं जिसमें उनको क्वारंटाइन किया है तो वो इतने छोटे हैं कि मुश्किल से दो कमरे एक परिवार के पास हैं, और उन दो कमरों में किसी को क्वारंटाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और कई परिवारों में तो दो दो साथ लगते परिवारों का एक ही बाथरूम है, और उससे भी आशंका हो रही है दूसरे परिवारों को कि कहीं हमें भी ये बीमारी ना लग जाए। तो इसके ऊपर बहुत विचार करना पड़ेगा प्रशासन को और देखना पड़ेगा, और हमारे जो वर्कर्स हैं बेशक वो आशा वर्कर या प्रधान या जो भी वहाँ पर अधिकारी जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको ग्लव्स या कोई ऐसा केस उनको नज़र आया जो रेड जोन से आया तो पीपी किट उनको दिया जाए ताकि वो उनके नज़दीक जाएं तो उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो। ये व्यवस्था सरकार को करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और सुझाव दूंगी कि यहाँ पर NIT जो है, NIT बिल्कुल आजकल खाली पड़ी है। टेक्निकल कॉलेज जो है हमारा बेशक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, कई ऐसी संस्थाएं हमीरपुर में हैं जो खाली पड़ी हैं, और उसमें अगर क्वारंटाइन करने के लिए बाहर से जो हमारे भाई आए हैं बहनें आई हैं उनको वहाँ व्यवस्था कर दी जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो है वो उनको उपलब्ध होगी। कई जगह से हमें ये भी शिकायत आई है कि उनको खाना नहीं दिया गया और वो लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, वो वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसे हमारे बेशक वर्कर्स हों, लोग हों जो हमारे प्रशासन में हैं, जो जाकर उनकी थोड़ी काउंसलिंग करें तो वो लोग भी निश्चिंत हो कि भाई हम ठीक होके यहाँ से जाएंगे, या हमारा टेस्ट होगा जिसमें अगर नेगेटिव निकला
तो हम घर जा सकेंगे। एक और जो बात नज़र आई है कि कुछ जगह राजनीति भी की जा रही है, जो लोग किसी राजनेता के या जो सरकार आज चली है उस पार्टी के हैं, तो उन लोगों को क्वारंटाइन घर में किया जा रहा है और उन्हीं के साथ जो दूसरे उनके साथ आए हैं उनको अलग एक इंस्टीट्यूट में या कहीं क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो ये मतभेद से भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमें क्यों नहीं वही सुविधा मिल रही जो इनको मिल रही है। तो इस पर ज़रा नज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं एक बात और ज़रूर कहूँगी, जो हमारे प्रवासी मजदूर जो हमें रोज़ नज़र आते हैं टीवी पर कि किस तरीके से वो अपने घरों को जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, याद आता है हमारा पार्टीशन का टाइम 1947, जब इसी तरीके से एक भगदौड़ लगी थी, तब तो पाकिस्तान से लोग अपने जान को बचाने के लिए हिंदुस्तान भाग रहे थे क्योंकि तब बंटवारा हो चुका था। लेकिन आज कोई बंटवारा नहीं है, अपनी स्थिर सरकार है, अपना यहाँ पर कोई ऐसा भय नहीं है। और बड़े हैरानी की बात है कि अभी तक सरकार उन प्रवासी मजदूरों को अपने घर या अपने ठिकानों तक नहीं पहुँचा सकी है, और अगर उनको नहीं पहुँचाना चाहती तो उनके लिए व्यवस्था नहीं कर सकी है कि जिससे प्रवासी मजदूर जहाँ है वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित समझकर वहीं काम करें। तो मैं ज़रूर ये आग्रह करूँगी कि जो सरकारें हैं और जो खास करके हमारी सेंटर सरकार है वो इस पर तवज्जो दे और हर सरकार से बात करे और इन प्रवासी मजदूरों को जो जितना ये कष्ट सह रहे हैं, जितने तरीके से ये जा रहे हैं, इनके बच्चे और इनकी जो पत्नियाँ सब मिलकर इनके ऊपर थोड़ा नज़र मारे, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, इन्होंने ही ये पूरा राष्ट्र बनाया है। और आज अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कल ये हमारी मदद के लिए बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे, तो इस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा।